हम अगर नागपुर का इतिहास सुनने की कोशिश करें
चलिए देखें कहां तक पहुंचते हैं। पहली बार नागपुर का नाम लिखा हुआ या दर्ज किया हुआ मिलता है 940 ईसी में, यानी 940 AD, एक कॉपर प्लेट पर देवड़ी गांव में, जो आज के वर्धा जिला में है। नागपुरी नाम आया कहां से? इतिहास इसके दो सबूत बताता है। एक तो ये कि ये कस्बा या शहर जो भी था उसे नाग नदी के किनारे बसा हुआ था, उसी से इसका नाम नागपुर पड़ गया। दूसरा ये कि नागा नामी कबीले के लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब थी आदिवासी लोग जो नागा कहलाते थे, उनकी वजह से इसका नाम नागपुर पड़ा। रामायण में जिक्र आता है कि वंध्या और सतपुरा के बीच में घना जंगल था, जो दंडकारण्य के नाम से मशहूर था, और नागपुर उसमें शामिल था, और ये भी विदर्भ का कहना कस्बा था। 250 ईस्वी मतलब एडी में वाकाटक वंश के राजा विंध्या शक्ति ने विदर्भ में अपना राज स्थापित किया। उनके बाद उनके बेटे के बेटे यानी पोते रुद्रसेन, रुद्रसेन दूम यानी रुद्रसेन की सेकंड, स्वर्ण युग के चंद्रगुप्त दूम की बेटी प्रभावती से शादी की। रुद्रसेन ज्यादा दिन जिंदा ना रह सके तो उनके बेटे दिवाकर सेन गद्दी पर बैठे, लेकिन अभी कम उम्र थे इसलिए प्रभावती ने राजपाट संभाला और पिता के हाथ से कुछ बड़े अहदेदारों को बुलवाया, एक मिलिट्री और एक सिविल यानी फौजी और शहरी इंतजाम संभालने के लिए। जो शहरी इंतजाम संभाल रहे थे वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत के महाकवि कालिदास थे। रामगिरी जिसे अब हम रामटेक कहते हैं, वहां बैठकर मेघदूत की रचना की, ये नाम भी नागपुर से जुड़ गया। इतिहास की करवट भी कभी कभी एक सदी लंबी हो जाती है और दौर बदल जाते हैं। 13वीं सदी में जब दक्षिण यादव राज के तहत था, मराठी लिटरेचर ने बहुत तरक्की की और नागपुर की आम जनता की जबान मराठी ही थी। पहले मराठी कवि मुकंद राज का जिक्र भी उसी सदी में मिलता है। हेमाद्री नाम के यादव राजा ने अपने जमाने में बहुत से मंदिर और दूसरी इमारतें बनवाई और वो हिमाड़पंथी आर्किटेक्चर से मशहूर हो गए। आदासा, अम्बोरा, पुगाव, रामटेक, नागपुर जिला में और बहुत सी जगहों पर हिमाड़पंथी मंदिर अब भी देखे जा सकते हैं। लेकिन 13वीं सदी खत्म होते होते 1398 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने यादव राजा हरपल देव को हराकर विदर्भ और महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में इस्लामिक कल्चर की शुरुआत की। इस्लामिक दौर में बफरबुलंद शाह सबसे बड़ा हुक्मरान माना गया है। नागपुर के जेल पर छोटे मोटे गांव को जीत के एक मजबूत नागपुर था और वो राजकुमार परिवार से था। उसके बाद चांद सुल्तान गद्दी पर बैठा, उसने नागपुर को अपनी राजधानी बना लिया। चांद सुल्तान ने मशहूर जुआ तालाब बनवाया जो अब गांधी सागर कहलाता है। वहीं से सारे शहर को पानी सप्लाई होता था और शहर के गिर दीवारें और गेट बनवाए जिनमें जुमा गेट अब तक मौजूद है और गांधी गेट कहलाता है।
जब गुलचान सुल्तान की मौत हुई 1749 में, तब उनकी बेवा यानी विधवा ने राजपाल का एक फैसला करने के लिए मराठा राज के सरदार रघुजी भोसले को दावत दी और 4-5 साल के अंदर ही रघुजी ने सारा राजपाल संभाल लिया और मराठों का दौर शुरू हो गया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में दूसरे रघुजी भोसले और ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया मिलकर और एक बड़ा हिस्सा राजपाट का अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अब अंग्रेजों का दौर शुरू हुआ। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर वो जंग हुई। अप्पा साहब जम के लड़े अंग्रेजों से। कुछ अर्सा एक आरसी से मराठों की हुकूमत चली, लेकिन 1853 में डॉक्टर नफ लैब्स के तहत अंग्रेजों ने पूरा राजपाट संभाल लिया। ये हमारी आजादी की पहली लड़ाई 1857 से ठीक 4 साल पहले की बात है। अंग्रेजों के हाथ पांव ऑक्टोपस की तरह हिंदुस्तान में फैल रहे थे। 1861 में अंग्रेजों ने नागपुर को राजधानी बनाकर सेंट्रल प्रोविंसेस की स्थापना की। 1891 में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में हुआ और उसकी वजह से आजादी आंदोलन में एक नई लहर दौड़ गई। 1907 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का सर्वे किया और जैसे नाभि जिस्म की नसों का केंद्र होती है, वैसे नागपुर में 0 माइल का फर्क था। इस तरह नागपुर हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु यानी सेंटर बन गया। एक तरह से नागपुर हिंदुस्तान की नाभि है। 1907 ही में लोकमान्य तिलक कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के बड़े लीडर बन गए। नागपुर में दादा साहब खापड़े, डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर केशव मणिराम हेडगेवार तिलकवादी स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होने वाला था। लोग चाहते थे कि तिलक ही उसके अध्यक्ष हों। स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल की तस्वीरें लेकर जुलूस निकाले। मॉरिस कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने यूरोपियन प्रोफेसरों का स्वागत वंदे मातरम से किया। नागपुर की गलियां मोहल्ले वंदे मातरम के गाने से गूंज उठे। और एक नया आंदोलन शुरू हुआ, बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स। 1920 में जब तिलक का देहांत हुआ, कांग्रेस में काफी तब्दीलियां शुरू हो गई थी। गांधी जी ने संपूर्ण आजादी के आंदोलन की शुरुआत नागपुर से 75 किलोमीटर दूर सेवाग्राम से की और सेवाग्राम को अपनी कर्मभूमि बनाया। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी NGO है। मार्च 1929 में साइमन कमीशन के मेंबर जब नागपुर पहुंचे तो विद्यार्थियों ने कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाले और 14 जुलाई को हिस्सा कॉलेज की इमारत पर हमारा नेशनल फ्लैग लहराया गया। 16 अप्रैल 1930 को नागपुर वार काउंसिल तैयार की गई। 12 अगस्त 1942 इतवारी रेलवे को नाम और पोस्ट ऑफिस को आग लगा दी गई। ये क्विट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा था। 1942 में जब कांग्रेस ने क्विट इंडिया का आंदोलन शुरू किया तो नागपुर ने जोर शोर से उसके साथ किया। 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हो गया।
नागपुर में ऐतिहासिक सीताबर्डी किले पर राष्ट्र ध्वज लहराया गया। लीडरशिप में नागपुर में 3,80,000 लोगों ने बुद्ध धर्म अख्तियार किया। दीक्षा भूमि एक बहुत पवित्र स्थल है। नहीं पड़ते मेरे बोलो नहीं।